उन 5 लाख सब्सक्राइबर को करने में मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 दिन लगे थे, क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था और ना मैं मतलब यूट्यूब से कमाता था, तो यही लोग जो मेरे पापा है, मम्मी है, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं और दोस्त है, ये मेरे को ताना देते थे भाई। ये डाउट होते हैं काफी सारे जो नए नए क्रिएटर्स आते हैं, शॉर्ट्स क्रिएटर हैं, चैनल ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, व्यूज वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शॉर्ट्स को आखिर वायरल कैसे किया जाता है एक नए चैनल पर जैसा आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें इसकी जानकारी दीजिए, ट्रिक्स बताइए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शॉर्ट क्रिएटर से मिलाने वाला हूं जो दोस्तों यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर मतलब तहलका मचा दिए हैं। पहले दोस्तों आप इनका थोड़ा सा चैनल देख लीजिए, यहां पर आप देख सकते हैं इनके चैनल का नाम है बाई आर फैक्ट्स। अब यहां पर एक काफी यूनिक बात यह है कि 63 वीडियोस को डाल के लोग 1500 वीडियो डाल देते हैं, केवल नए चैनल पर 63 वीडियोस को डाल के 7.5 लाख सब्सक्राइबर, 7.59 लाख सब्सक्राइबर को पूरा कर लिया है इतने कम वीडियोस के डाल के। थोड़ा सा व्यूज वगैरह अगर देखते हैं तो यहां की वीडियोस आप देख सकते हैं करोड़ों में गई हैं। 1 करोड़ व्यूज है, 80 लाख व्यूज है, 52 लाख व्यूज है, 43 लाख व्यूज है, लाखों करोड़ों में इनके वीडियोस जो है पड़े हुए हैं। चैनल ओपन कब हुआ है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, तो आप डेट वगैरह देख सकते हैं। इनकी जो डेट है चैनल ओपन करने की वो है दोस्तों 3 जुलाई 2024, मतलब 2 से 3 महीने पहले ही यहां पर इनका जो चैनल है वो यहां पर ओपन किया गया है। मैं कुछ और स्क्रीनशॉट दे दूंगा यहां पर जो इनके कितने ज्यादा व्यूज वगैरह आते हैं, तो मतलब आप इस वीडियो को देखकर जो है काफी अच्छी जानकारी भाई से ले सकते हैं कितना मतलब जो है चैनल को कैसे ग्रो किया जाता है, शॉर्ट्स को कैसे वायरल किया जाता है, और भी शॉर्ट्स से रिलेटेड काफी सारे जो क्वेश्चन है आज हम भाई से करने वाले हैं। तो योगेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आने के लिए, अपना जो कीमती समय हमें देने के लिए। तो थोड़ा सा अपना जो परिचय है और अपना जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को दीजिए। तो सबसे पहले टेक्निकल कोचिंग भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे फिर से अपने चैनल पे इनवाइट किया और अपने ऑडियंस को बताना चाहा कि कैसे हम यूट्यूब शॉर्ट से पैसा कमा सकते हैं और कैसे हम काम कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर से एक बार आपने बुलाया मुझको अपने चैनल पे। तो मेरा नाम है योगेश राजपूत और अभी के टाइम पे ये मेरा 3रा या 4था चैनल है और मैं एक काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, 1 साल हो गया है मेरे को यूट्यूब पे काम करते करते, और ये मेरा अभी का सबसे पहला चैनल है जो इतनी जल्दी मैंने ग्रो किया है। तो भाई जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपका ये 3रा 4था चैनल है, तो इस चैनल को ग्रो करने में आप कह रहे हैं कि ये सबसे जल्दी मेरा ग्रो हुआ है, इस चैनल को ग्रो करने में आपको कितना टाइम लगा है? तो मैंने ये चैनल आज से 2 महीने पहले स्टार्ट किया था और इसको जब मैंने स्टार्ट किया था तो लगभग 2 महीने हो चुका है, और जब मेरा ये चैनल ग्रो हुआ तो भाई शुरुआत का 5 लाख सब्सक्राइबर इतने जल्दी बढ़ा हुआ है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। और अभी थोड़ा 7 लाख सब्सक्राइबर होने में थोड़ा 10 से 12 दिन थोड़ा ज्यादा लग गया था, क्योंकि थोड़ा चैनल का ऐसा एल्गोरिथम होता है कि कभी अच्छा डाउन ऊपर मतलब कि अप हो जाता है और कभी डाउन हो जाता है, तो थोड़ा अभी सा डाउन है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है 1 मिलियन होने में। बिल्कुल बिल्कुल भाई, काफी अच्छी तरीके से मैंने देखा है कम वीडियोस को डाल के इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हुए हैं। तो आपके शुरू के 5 लाख सब्सक्राइबर कितने दिन में पूरे हुए थे? तो मैंने शुरुआत में 5 लाख सब्सक्राइबर अपने इस चैनल पे बनाए हैं, तो उन 5 लाख सब्सक्राइबर को करने में मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 दिन लगे थे, क्या पता इससे भी कम लगे हो, क्योंकि मैं जो जिस तरह का कॉन्टेंट डालता हूँ तो वो इमोशनल होता है और इमोशनल कॉन्टेंट में काफी ज्यादा सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं। बिल्कुल भाई, एकदम सही बात आपने बोली है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि भाई ने केवल 5 दिन में 5 लाख सब्सक्राइबर को पूरा किया है, ये काफी ज्यादा मतलब एक आश्चर्यजनक बात हो जाती है। तो गाइज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, और लाइक नहीं किया है वीडियो काफी अच्छा आपको लग रहा है मुझे पता है, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट दोस्तों आप जो है डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन यहां पर मिल सके, लेकिन लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो भाई जैसा कि आप मेरे चैनल पर सेकंड टाइम आए हैं, तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि पहला जो आपका चैनल था उस पर कितने सब्सक्राइबर थे, जो फैक्टो राजपूत चैनल था? तो जो मेरा सबसे पहले चैनल था फैक्टो राजपूत, उस पर मैंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर चुका हूँ एंड उसको सेल भी कर दिया है मैंने, और उससे अच्छी खासी अर्निंग भी कर ली है, उसका प्ले बटन ये लगा हुआ है और मेरे पास ऑलरेडी 3 से ज्यादा प्ले बटन भी है। भाई बहुत बढ़िया यार, ये काफी मोटिवेशन वाली बात हो जाती है, भाई ने पहले वाले चैनल से काफी अच्छा अर्निंग किया, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए, सेल कर दिया है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भाई से मतलब बात वगैरह अगर आप करना चाहते हैं, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में मैं आईडी वगैरह दे दूंगा भाई का, इंस्टा आईडी, तो जाकर इनसे जो आप बात कर लीजिएगा, इनको फॉलो कर लीजिएगा, मतलब आपको डायरेक्टली कुछ पूछना है, जैसे आप मुझ पर मैसेज करेंगे तो मेरा क्या होता है पता नहीं चल पाता है, लेकिन भाई के इंस्टा पर आप जाकर जो इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, और इनसे मतलब इनको फॉलो जरूर से करिएगा, ठीक है ना, ताकि ये कुछ
भी जो है अपलोड करें तो आपको जो नई नई जानकारी जो है इनके इंस्टा से आपको मिलती रहे। तो फॉलो जरूर से करिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो जैसा कि भाई आपको बता रहे हैं कि आपके पास काफी ज्यादा प्ले बटन है, तो अभी के टाइम में आपके कितने प्ले बटन है और इसका जो प्ले बटन है ये जो चैनल है आपका बायर फैक्ट इसका आ गया कि नहीं? हाँ, तो जो मेरा अभी ये चैनल है ये मतलब इसका प्ले बटन भी आ गया है और अभी के टाइम पे यूट्यूब ने प्ले बटन का साइज छोटा भी कर दिया है। मैं आपको फोटो में बता दूंगा कि कितना छोटा मेरा प्ले बटन आया है और मेरे पास अभी के टाइम पे 3 प्ले बटन है और मेरा एक गोल्ड प्ले बटन भी था तो मैंने उसको भी सेल कर दिया था भाई, थोड़ा पैसे की जरूरत थी। चलो कोई बात नहीं है, चलो पैसे का तो रहता ही है, पैसे की जरूरत क्या कुछ नहीं करवा देती है। बाकी भाई के पास काफी ज्यादा प्ले बटन है, गोल्डन भी ले लिया है, नया जो प्ले बटन आ रहा है छोटा वाला वो भी भाई के पास आ गया है, फोटो वगैरह मैं शेयर कर दूंगा। तो भाई ये बताइए कि अभी के टाइम में आपके पास कितने करेंटली कितने चैनल्स पर आप काम कर रहे हैं? अभी के टाइम पे मेरा ये अभी जो मेरे पहले 3 चैनल थे ना तो मैंने उसको अच्छा कमाता हूँ। मैं चैनल को ऑलरेडी इन चैनल को रखता नहीं हूँ क्योंकि ये कॉपी पेस्ट कंटेंट है और आपको पता है जब अगर हम कॉपी पेस्ट वर्क करते हैं तो वो कभी भी डिलीट हो सकता है, तो इस डर के वजह से मैं थोड़ा सा कमाता हूँ और फिर मतलब कि थोड़ा सा मतलब आप समझ रहे हो इतना थोड़ा सा नहीं अच्छा थोड़ा सा और फिर उस चैनल को बाद में सेल भी कर देता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो अभी के टाइम में ये जो चैनल है आपका बायर फैक्ट ये मोनेटाइज है, इससे अर्निंग वगैरह हो रही है आपकी? हाँ भाई, मेरा ये चैनल मोनेटाइज भी है, मेरा ये चैनल एक ही बार में मोनेटाइज हो गया था और इससे मैं सेकंड पेमेंट आने वाली है अगले नवंबर में। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैंने देखा है भाई आपके चैनल पर और आप कह भी रहे हैं कि आप कॉपी पेस्ट पर काम करते हैं, तो आपकी ये वीडियोस नहीं है मैंने देखा है, आपकी केवल इसमें आवाज लगाई हुई है, तो ये वीडियोस आप कहाँ से लेके आते हो? थोड़ा हमारी ऑडियंस को थोड़ा खुलकर बताइए डिटेल में। देखो भाई, जो भी लोग इस तरह के कॉपी पेस्ट कंटेंट पे वर्क करना चाहते हैं तो उनको एक एप्लीकेशन की जरूरत होती है, वो चाइनीज एप्लीकेशन होती है, तो वो आपको ऐसे प्ले स्टोर पे वगैरह पे तो नहीं मिलेगी, तो मैं टेक्निकल कोची भाई को ये पर्सनली एप्लीकेशन भेज दूंगा तो वो अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो आपकी ऑडियंस वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकती है बहुत ही आसानी तरीके से और उसपे ऐसे ढेर सारी आईडी मिलती है और ढेर सारे कॉन्टेंट मिलते हैं जिसपे आप काम करके अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल भाई ने सही बोला, एक चाइनीज ऐप के बारे में ये बता रहे हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा, ठीक है ना, टेक्निकल कोची नाम से, ये आप देख सकते हैं काफी अच्छे इस पर जो फॉलोवर्स हैं सब्सक्राइबर हैं वेरीफाइड है, सर्च करके भी आप दोस्तों जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को जो है जरूर से ज्वाइन करिएगा, वहीं पर मैं ये इनका जो ऐप बता रहे हैं वो मैं डाल दूंगा और मैंने इस पर डिटेल में भी वीडियो बना रखा है कैसे डाउनलोड करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे अपलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस फुल वीडियो को जाकर जो है आप फटाफट से जो है वॉच कर लीजिएगा। तो भाई मैंने देखा है आपका चैनल काफी तेजी से ग्रो हुआ है जैसा कि आपने बताया है, तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को ये डाउट होते हैं काफी सारे जो नए क्रिएटर्स आते हैं शॉर्ट्स क्रिएटर हैं चैनल ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, व्यूज वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, शॉर्ट्स को आखिर वायरल कैसे किया जाता है एक नए चैनल पर जैसा आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें इसकी जानकारी दीजिए, ट्रिक्स बताइए। देखो नए चैनल पे अगर आप मतलब यूट्यूब पे नए चैनल पे काम कर रहे हो और अगर आपको नया चैनल ग्रो करना है तो आपको 3 चीजों को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आपको रेगुलर वीडियो डालना है, आपको कभी भी वीडियो को मिस नहीं करना है, आपको डेली 2 वीडियो अपलोड करना है, चाहे भाई पानी बरसे आग हो कुछ भी हो आपको डेली 2 वीडियो डालना है, और जो मतलब वीडियो को वायरल करने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है ऑडियंस को हुक करना। अगर आप एक बार ऑडियंस को हुक करना समझ गए ना तो भाई समझ लो आप खिलाड़ी हो इस खेल के, आप एक नहीं हजारों मेरी तरह। भाई मेरे दोस्त भी अभी के टाइम पे काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, एक बार वो अगर समझ जाते हैं ना कि कैसे हुक करते हैं ऑडियंस को तो भाई ऑटोमेटिकली वीडियो आपका वायरल होता है और आपका सब्सक्राइबर बहुत तेज बढ़ता है। और सेकेंड चीज होता है वीडियो में लेंथ और ऑडियंस रिटेंशन का मायने रखना। बिल्कुल भाई आप सही कह रहे हैं, एक बार आपने ऑडियंस को हुक कर लिया तो वो क्या होगा कि आपकी वीडियो के अंदर फंस जाएगा और वो आपकी वीडियो को जो है एंड तक वॉच करेगा, लेकिन उसी के हिसाब से आपको अपना जो है ऑडियंस रिटेंशन मैनेज करना है वो होगा वीडियो की लेंथ से, ठीक है। तो भाई ने जो भी बात बोली है उसको जरूर से फॉलो करिएगा दोस्तों, अगर आपके शॉर्ट चैनल ग्रो नहीं हो रहे नए शॉर्ट्स को वायरल करना है तो वीडियो के अंदर सस्पेंस क्रिएट करना स्टार्ट करिए, ठीक है ना, जिससे आपको मतलब सस्पेंस कैसे क्रिएट होगा आप काफी सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा, आवाज़ वगैरह अच्छा करिए, शुरू में कुछ ऐसा बोलिए ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो फंस जाए वीडियो में, ठीक है ना, वो एंड तक ही वॉच करें, आपके पास वीडियो आते होंगे और आप हट नहीं पाते होंगे वीडियो से, मतलब वही तो है चीजें, तो वो चीजें आप देखिए और अपने चैनल पर जो इस्तेमाल करिए अपने वीडियोस के अंदर हुक दीजिए और अपने शॉर्ट्स को वायरल करिए। तो यही 2-3 चीजें जो भाई ने बताई हैं इसको जरूर से फॉलो करिएगा और आप इस तरह से फॉलो करके अपने शॉर्ट चैनल को काफी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इतना ज्यादा कठिन नहीं है शॉर्ट्स को वायरल करना, बस अच्छे वीडियोस बनाइए अच्छे तरीके से अपलोड करिए और टाइमिंग वगैरह सही रखिए और ये 2-3 टिप्स जो बताई हैं इसको फॉलो करिए और अपने शॉर्ट्स को आप जो है इजिली यहां पर वायरल कर सकते हैं। तो जैसा कि भाई आपने बताया है कि आप
आपने काफी सारे चैनल को मतलब ओपन किया है, अब ऐसा तो है नहीं कि एक दो दिन में ये काम हो जाए, काफी ज्यादा मेहनत भी लगती है और काफी टाइम भी हमें इसके अंदर देना पड़ता है। तो आपने 3 से 4 चैनल को जो है ओपन किया है, काफी सारे चैनल को ग्रो किया है, तो मतलब फैमिली मतलब कुछ कहती है नहीं, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके फैमिली के आस पड़ोस के और जो भी रिश्तेदार वगैरह होते हैं उनके क्या रिएक्शन है, थोड़ा समय हमें ऑडियंस को थोड़ा क्लियर करिए ये चीजें। तो भाई अभी के टाइम का जो रिएक्शन है और जो पहले के टाइम का रिएक्शन था वो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था और ना मैं मतलब YouTube से कमाता था, तो यही लोग जो मेरे पापा है, मम्मी है, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं और दोस्त है, ये मेरे को ताना देते थे। भाई पापा तो कभी कभी कूद भी दिया करते थे। एंड जब मैंने मतलब YouTube से कमाना चालू किया और अपने लिए कुछ किया, अपने पापा के लिए कुछ किया, तो भाई पापा का तो रिएक्शन ये है कि अब मैं घर पे वीडियो बना रहा हूँ और घर पे ही ये YouTube को मतलब कैरियर के रूप में चुन चुका हूँ। और जो मेरे दोस्त होते थे जो मेरा मजाक बनाते थे, तो भाई ये देखो ये यूट्यूबर आ रहा है, ये आ रहा फलाना आ रहा है, तो आज वही दोस्त मुझसे पूछते हैं कि भाई आप तुम इतना ज्यादा कैसे कमा रहे हो, हम भी तुम्हारे बीच में है लेकिन हम इतना नहीं कमा पाते हैं जितना तुम घर पे बैठे बैठे कमा लेते हो। तो भाई तुम्हें यही भाई देख सकते हैं कि भाई अभी आप समाज को मत सुनो, आप अपने काम पे कंटिन्यू फोकस करो। जब आप सक्सेस हो जाते हो ना भाई, जो आपको ताने देते हैं भाई वही आपकी तारीफ करते हैं, मैंने ये पर्सनली देखा है। बिल्कुल सही बात भाई ने बोली है, देखिए काफी मोटिवेशन वाली बात हो जाती है। अगर आप दोस्तों चैनल पर काम कर रहे हैं बस लगे रहिए, किसी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जैसा कि भाई ने बताया है कि पहले क्या था और अब क्या हो रहा है, आपने खुद इनके मुंह से सुना है, ठीक है ना। तो समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, बस आप काम करते रहिए मोटिवेशन मतलब के साथ में, बस आप काम करते रहिए, एक दिन आएगा सब कुछ बदल जाएगा। और जो लोग मना करते हैं, पागल बताते हैं और जो भी चीज़ें बुराई वगैरह करते हैं, वो सब देखना आपके करीब आ जाएंगे और आपकी अच्छाई जो है करने लगेंगे, सब कुछ बदल जाएगा YouTube पर काम करने से, मेहनत करने से, ठीक है ना, बस आप लगे रहिए। तो भाई थोड़ा सा ये बताइए कि आपने YouTube से क्या क्या अचीव कर लिया है, क्या क्या ले लिया है, और थोड़ा सा मोटिवेशन हमारी ऑडियंस को मिल जाए। तो आपने अभी तक क्या क्या कर लिया YouTube से? देखो अभी तक मैंने YouTube की कमाई से एक सबसे महंगा फोन लिया है, जो मेरा अभी तक का सबसे महंगा फोन है, तो वो मैंने लिया है 35,000 का फोन लिया है Motorola का। एंड उसके बाद अभी मैं एक प्लॉट भी डाला हूँ, यानी प्लॉट होता है ना, तो मैंने बनाने के मकसद से जमीन वगैरह, हाँ जमीन मैंने इसे मतलब बेचने के मकसद से डाली है, ताकि आगे उसका उन पैसों से मैं और भी पैसा बना सकूँ। और अभी काफी सारा पैसा मैंने पापा को भी दिया है और खुद के पास भी रखे हूँ, तो मैं अच्छा कुछ कर रहा हूँ अभी। चलिए ये काफ़ी मतलब हमें मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से, मतलब भाई देखिए इन्वेस्ट भी कर रहे हैं साथ में, अपने ऊपर भी खर्च कर रहे हैं, फैमिली के साथ भी जो खर्चा कर रहे हैं, और मतलब अब जो है सारी प्रॉब्लम्स जो है दूर होती जा रही हैं। किसकी वजह से? केवल YouTube की वजह से। अब YouTube तो है साथ में, लेकिन इनकी कड़ी मेहनत की जो फल है वो इनको यहाँ पर आज मिल रहा है। तो गाइस अगर आप YouTube पर काम करते हैं तो मोटिवेशन के साथ में रेगुलरिटी थोड़ा सा रखिए और लगे रहिए YouTube पर। भाई ने जो जो बातें बताई हैं उन सबका ध्यान रखिए, एक दिन आपको भी सफलता मिलेगी, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है ना। बस आपको कंटिन्यूसली YouTube पर काम करना है, किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। और भाई ने एक बार बताया था, कुछ भी काम हो बस आपको YouTube पर ठान लेना है कि हाँ वीडियोस अपलोड करना ही करना है हमें, ठीक है ना। तो डेली डेली वीडियोस अपलोड करते जाइए। और इनके जैसा अगर आप चैनल बनाना चाहते हैं तो देखिए जो आईडीज वगैरह होती हैं, कहाँ से ये ऐप है, कौन सी आईडी से ये वीडियोस लेते हैं, और तरह तरह की जो आईडीज हैं मेरे आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है ना। टेक्निकल कोचिंग नाम से जाकर जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं। और कुछ भी कहना चाहते हैं तो मुझसे पूछ लीजिए, भाई की मैं आईडी वगैरह दे दूंगा, इंस्टाग्राम आईडी, तो उनसे जाकर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, भाई आपको सारा कुछ बताएंगे और आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करेंगे और आपको भी साथ में लेके चलेंगे, आपके चैनल्स को ग्रो करवाएंगे। तो योगेश भाई आज के हमारे यही कुछ क्वेश्चन थे, आशा करते हैं ये ऑडियंस को पसंद आए होंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए इतना कीमती समय देने के लिए, हमारी ऑडियंस को जो है इतना अपना समय देने के लिए। तो भाई थैंक यू आपका भी, आपने जो मुझे अपने चैनल पे दोबारा बुलाया। बिल्कुल मोस्ट वेलकम भाई आपका। तो चलिए गाइस आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं, कुछ भी कहना है कमेंट कर दीजिएगा और हमें सब जगह पर फॉलो कर लीजिए, भाई को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया है, देखिए काफी आपको मोटिवेशन मिला होगा, काफी कुछ सीखने को मिला है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ नया लेकर, एंड बाय।